बट भाई कहाँ खोपचो में, ऐसे लॉज बने हुए हैं भाई। चलते अभी जरा छोड़ लिए छोड़े हैं। कैसे चल रही है भाई यहाँ पे, कैसे चल रही है 50 पे? जैसे एक घर से वापस आता था दूसरे घर चले जाता था। ऑलराइट लेट्स गो। भाई नॉर्मल डे में तो मैं वैसे ही हर दिन लेट होता हूँ, आप लोगों को पता है। आज संडे है बट आज भी मैं लेट हो रहा हूँ। कमलेश की गाड़ी से वायर लेनी है, बहुत काम आई थी, चार्जिंग के रिपोर्ट नहीं होते। वायर्स आर द बेस्ट। जाएंगे डबलिन घूमने अपनी ब्यूटी में। भाई इसमें भी तेल भरवाना है। हे ब्यूटी हाउ आर यू, डिड यू मिस मी, डिड यू मिस मी माय ब्यूटी। संडी अपनी है तो भाई सेम पेट्रोल पंप, डीजल है आज 167.8 का, 1.67 बट मेरी में डलती है डीजल, ये डीजल नॉर्मल वाली। इसका क्या हुआ? ओह सॉरी आउट ऑफ फ्यूज, दूसरे वाले पे लगाना पड़ेगा यार। तो वैसे ही लेट हो रहा हूँ, ऊपर से दो बार घुमानी पड़ेगी क्योंकि मेरी गाड़ी है डीजल और जैसे आपको पता है कल कमलेश की गाड़ी थी का था पेट्रोल, और पेट्रोल यहाँ पे महंगा है डीजल सस्ता है, तो ये डीजल उठाया। 20 का भरवाऊंगा आज भी। चलते हैं अभी जरा छोड़ लिए छोड़े हैं, फिर ब्लॉग थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। जो भी गोवा आइलैंड ब्यूटीफुल तो बहुत है, डबलिन सिटी जो है हम वहीं पे मोस्टली घूमते रहते हैं। ये वाले घर देखो कितनी कोने में जाके, भाई ये वाली रोड पे स्पीड है 50 की, भाई इस पे कहां 50 भाग गई गाड़ी मेरी। बट भाई कहां खोपचो में, ऐसे लॉज बने हुए हैं भाई, इतने बड़े बड़े लॉज है, बढ़िया है। दोनों साइड देखना पड़ेगा, एक टाइप की हाईवे रोड है, ये वाली रोड भी है, देख पतली है, टू वे रोड है ये, टू वे रोड इतनी पतली जिसमें एक गाड़ी में एक ही जा रही है, और यहाँ पे 50 की स्पीड है। कैसे चल रही है भाई यहाँ पे, कैसे चल रही है 50 पे? बट लेकिन तब भी वेरी गुड प्लेस भाई, यहाँ पे ड्राइव करके मजा आ रहा है। तो भाई लॉन्ग डे जस्ट बैक होम, कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाया, व्लॉग ही नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? बस ऐसे ही एक घर से दूसरे घर घूमे जा रहा था, बैक टू बैक कुछ ज्यादा ही घूम रहा था आज तो। जैसे एक घर से वापस आता था दूसरे घर चले जाता था, ऐसी सी थोड़ी हो रखी जिंदगी। और जैसे मैं कह रहा था ना पिछले व्लॉग में, जो आपने नहीं देखा होगा, अगर आप ये वाला व्लॉग देखो तो आपको एक डे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं कह रहा था कि जैसे लोगों को होता है कि भाई लेजर चाहिए, थोड़ा वीकेंड है हमें थोड़े मजे मारने हैं, तो भाई लेजर भी मैं कर रहा था कल, मतलब कल कह रहा हूँ आज सुबह कर रहा था, आराम से उठा था सो के, फिर खाना पीना करा, फिर जैसे मैं आज के लिए 30 डे स्ट्रीक कर रहा हूँ, तो 30 डे स्ट्रीक के लिए आज का व्लॉग एडिट मारा था, व्लॉग का एडिट मारा, फिर उसके बाद थोड़ा और अलसाया, फिर शाम को उठ के मजे मारने बाहर चला गया, थोड़ा डबलिन घूमने का मन करा था। तो जो मैं आपको ये वाला दिन और से एक दिन पहले वाला जो व्लॉग बनाया है उसमें मैंने आपको एक मैसेज दिया है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती, बट अगर पता चल जाती है तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये शायद नहीं करना है, लेकिन करने में कोई खामी नहीं है अगर सब सही सलामत से हो जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ आया, मुझे भी नहीं समझ आता भाई, मुझे भी नहीं समझ आता। मैं तो ये आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरे दोस्त मुझे बता रहा था। तो पिछले 2 दिनों से मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया, और थोड़ा घूम फिर के डबलिन भी दिखाया। अगर आप बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि कहना क्या चाहते हो बीड़ू, तो बहुत वेल एंड गुड है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि द 30-day streak is still going on. Till then, meet you guys in my next video coming out tomorrow. Peace out.